टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय वाल्के हैप्पी होम्स। नमस्कार, स्वागत है आपका इन बीसीएन न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। जम्मू के अखनूर सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश नाकाम की है। पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया। सेना के जवानों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तरफ से 4 घुसपैठिए तार की तरफ आते दिखे, जिसके बाद उन्होंने उन पर गोलियां चलाई। इस गोलीबारी में एक घुसपैठिया ढेर भी हो गया। कोरोना ने दुनिया भर को एक बार फिर डराना शुरू कर दिया है। दुनिया भर में पिछले एक महीने में कोरोना के 8.5 लाख नए केस सामने आए हैं। WHO ने बताया कि पिछले 4 हफ्तों में कोरोना के 52% केस बढ़े हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना से 4 हफ्तों में 3,000 लोगों ने जान गंवाई है। पिछले 28 दिनों की तुलना में इन 4 हफ्तों में मौतें भी 8% बढ़ गई है। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद अयोध्या में रामलला का मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है। 22 जनवरी के इस कार्यक्रम के लिए अयोध्या नव्य और दिव्य अयोध्या पूरी तरीके से सजाई सवारी जा रही है। इसका एक स्वरूप 30 दिसंबर को भी देखने को मिलेगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के दौरे पर आएंगे। 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अयोध्या यात्रा की वजह से लखनऊ गोरखपुर हाईवे को दोपहर तक के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस रूट से जाने वालों को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जाने दिया जाएगा। CPIM के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी को राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से निमंत्रण दिया गया है। ब्रिटिश एयरवेज की एक फ्लाइट में तकनीकी खराबी के कारण उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यह फ्लाइट उड़ान भरने के तुरंत बाद नई दिल्ली लौट आई। फ्लाइट नई दिल्ली से लंदन जा रही थी। जानकारी के मुताबिक फ्लाइट में आग लगने की आशंका थी, इसलिए उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। एक मजिस्ट्रेट अदालत ने कांग्रेस विधायक और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री सुनील केदार और 5 अन्य को नागपुर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक में धन के दुरुपयोग के लिए 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट JV पेकले पुरकर ने 2002 के इस मामले में फैसला सुनाया है। महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबळ ने शुक्रवार को मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे पर तंज कसते हुए कहा कि उनकी मांगें बढ़ती जा रही है, पर महाराष्ट्र सरकार बेबस है। भुजबळ ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में चुटकी लेते हुए कहा कि वह उन सभी बातों को वापस ले रहे हैं जो उन्होंने पहले कहा था। शिवसेना में विभाजन के बाद से ही राज्य भर के शिवसैनिक और मानसैनिक चाह रहे कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ जाए। राज्य की राजनीति में तो नहीं, लेकिन आज एक पारिवारिक कार्यक्रम में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ दिखे। एक निजी कार्यक्रम में दोनों भाई एक ही प्रेम में नजर आए। पिछले कुछ दिनों से राजधानी दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मी बनी हुई है। पिछले दिनों विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की बैठक हुई, जिसमें देश के कई शीर्ष विपक्षी नेता शामिल हुए। बैठकों के दौर के बीच आज शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शरद पवार और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बीच अहम मुलाकात हुई। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए सीटें के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा अभी तक शांत नहीं हुआ है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार ने कहा कि राज्य सरकार OBC वर्ग को धक्का नहीं देगी, उसी में से बीच का कोई रास्ता निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि महायुति एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन कर रहे मराठा कार्यकर्ता मनोज जरांगे का अल्टीमेटम 24 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। मनोज जरांगे बीड में जनसभा करेंगे। इस सभा से जरांगे फिर से उग्र आंदोलन का ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि मराठा आरक्षण उन लोगों का अधिकार है, वे लोग इसे हासिल करके रहेंगे। अमेठी के सांसद स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार पर अमेठी के गरीब किसान परिवार को ठगने का आरोप लगाया है। उन्होंने गांधी परिवार पर अमेठी में जमीन हड़पने का आरोप लगाया। स्मृति ने आरोप लगाया कि उन्होंने सिर्फ 600 रुपए में 30 एकड़ जमीन किराए पर ली। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई गारंटियों को पूरा करने का प्रयास हो रहा है। इसके तहत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर एक और गारंटी के तहत किसानों को 2 साल के बकाया बोनस का भुगतान किया जाएगा।
हाल ही में दिग्गज तक कंपनी गूगल पर अमेरिका में करोड़ों डॉलर का जुर्माना किया गया था। अब सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म पर 53 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कंपनी पर यह कार्रवाई इटली में की गई। इस पर इटली में प्रतिबंधित जुए के विज्ञापन दिखने का आरोप लगाया गया था। प्रभास स्टारर साला ने डंकी को बॉक्स ऑफिस पर मात दे दी है। किंग खान की फिल्म 2 दिन के कलेक्शन के बाद भी प्रयास की ओपनिंग डे की कमाई से काफी पीछे रह गई है। नए साल से पहले देश को 6 और सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का तोहफा मिल जाएगा। लोगों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे समय समय पर काम करता रहता है। इसी के साथ देश में दौड़ रही वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 41 हो जाएगी। वनडे वर्ल्ड कप में बुरा प्रदर्शन करने वाली बांग्लादेश की टीम ने इतिहास रच दिया है। शनिवार को हुए बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के बीच वनडे मैच में बांग्लादेश की जीत हुई है। ये पहली बार हुआ है जब बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड में कोई वनडे मैच जीता हो। इतना ही नहीं, करीब 17 साल में पहली बार उसने न्यूजीलैंड में अपनी हार का सिलसिला तोड़ा है। दिल्ली में हवा की गति मंद पड़ने और हवा की दिशा बदलने के कारण एक बार फिर वायु प्रदूषण बढ़ गया है। सीपीसीबी के समीर ऐप के मुताबिक दिल्ली में शनिवार को औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 441 पहुंच गया, जो कि बेहद खराब कैटेगरी में आता है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इनबीसी न्यूज़। नमस्कार।